प्रॉमिस अच्छी कर रहे हैं, इंग्लिश से गुजारा हम कर लेंगे। नहीं, परफॉर्मेंस तो आपको मैंने आज बता दिया हमारी क्या परफॉर्मेंस है। आप रमीज राजा को ये देखना पड़ेगा। लेकिन यहां अजय आयर ने छक्के से स्टार्ट लिया और छक्के पे इख्तिताम किया। ईशन किशन को स्कोर करना चाहिए था। गिल वॉज फिनॉमिनल। मे बी आपने ना सुनी हो कि सौरव गांगुली को कहा गया है कि आपने, बेशक वो आईसीसी के चेयरमैन लग जाए, कि आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, जय शाह की थी। और रॉजर बीनी साहब आ रहे हैं, यार रमीज राजा और पीसीबी को कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे जय शाह ने भी कोई तीर तो नहीं मारा। मैंने शमसी को तो इतनी मार पड़ी है T20 में भी और वनडे में भी, उसको तो बेंच में बिठा दिया। और ये वही शमसी है जो जब पाकिस्तान जब जब भी आता है वो खेलने के लिए। पांचवी सक्सेसिव विक्ट्री है इंडिया की और छह में से मोस्ट इंटरनेशनल विंस इन ईयर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली में दिल वालों की ऐतिहासिक जीत और बड़े बड़े रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड तो यही है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत मिली है। इसके साथ ही कई और सारे रिकॉर्ड हैं, शुभमन गिल को लेकर, श्रेयस अय्यर को लेकर बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। रमीज राजा ने विराट कोहली पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, रोहित शर्मा को लेकर बाबर आजम को लेकर, T20 वर्ल्ड कप पर भी बहुत सारी बातें कही हैं रमीज राजा ने। उन पर कैसा रिएक्शन है यहाँ देखेंगे। और डिटेल से अगर आप देखना चाहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा पर क्या कहा है, तो भाई एक स्पेशल वीडियो इंतजार कर रहा है क्रिकेट पर, न्यूज टाइप के वीडियो वहां देखा कीजिए। तो अभी के लिए कल की जीत पर एक बार फिर से बात करेंगे, कितनी बड़ी थी ये जीत, शुभमन गिल की बैटिंग कैसी थी, श्रेयस अय्यर का स्टार्ट और फिनिश कैसा था और कैसी थी जीत, चलिए देखते हैं। पुटी बोल रहा नहीं, मजा नहीं आ रहा यार रिजवान, वो सवाल क्या हो रहा है, जवाब आपसे नहीं देने हो रहा। बहरहाल देखे वो जी हम यस नो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं, इंग्लिश से गुजारा हम कर लेंगे। नहीं, परफॉर्मेंस तो आपको मैंने आज बता दिया हमारी क्या परफॉर्मेंस है। आप रमीज राजा को ये देखना पड़ेगा। बहरहाल पाकिस्तानी बच्चियां अच्छा खेली हैं और जीत गई हैं। अब श्रीलंका और पाकिस्तानी बच्चियों का मैच है। लेकिन यहां अजय आयर ने छक्के से स्टार्ट लिया और छक्के पे इख्तिताम किया। ईशन किशन को स्कोर करना चाहिए था। गिल वॉज फिनॉमिनल। मजा आता है उसकी बैटिंग देख के, वो चढ़ के। और जैनसन की तो इन्होंने दाल निकाल दी इन्होंने जैनसन की, कि हम मुन्ना और खेलना ही। और भाईजान 20 ओवरों का कहा था आपसे, 20वें ओवर की पहली बॉल पे क्या मैच खत्म हो गया। बैंक स्ट्रेंथ टीम इंडिया की है या नहीं है, व्यूज है, फलाना है, इंडिया को इंडिया इंडिया करता है, तो भाईजान इंडिया इंडिया वो कर रहा है जो मैं कह रहा हूं, जो मुझे यकीन है। आप करके दिखा दें, मैं वो कहना शुरू कर दूंगा जो आप कह रहे हैं। बाकी चुप रहेगी नहीं जबान, जो सच है वो तो बाहर आता रहेगा। आज जिस तरह इंडिया ने कंप्रिहेंसिव कमांडिंग, देखिए 3 विकेटें जरूर गिरी हैं, लेकिन जिस तरह की 19 ओवरों में मैच खत्म कर दिया, 100 रन करने थे। और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, जिस तरह इंडिया की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप, जिस तरह आज इंडिया लड़ा, तो कैसे ना मैं कहूं कि इनके पास 4-5 टीमें बनाने की पूरी पूरी शक्ति, पूरी पूरी सलाहियत, पूरी पूरी बेंच स्ट्रेंथ, अहमियत, पूरा पूरा इनके पास वो है, व्हाट इट टेक्स टू एक्सेल एट दैट लेवल। पहला मैच हारे जरूर है, सिर्फ 9 रन से आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं 9 रन से आ रहे हैं। दूसरे मैच में इन्होंने बैम्बूजल किया, तीसरे मैच में आउट क्लास कर दिया। दिल्ली में बारिश होगी, फलाना होगा, ले ले बारिश। आप संतोष, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, वेरी प्लीजिंग टू द आई। व्हेन वी टॉक अबाउट गिल, वी टॉक अबाउट क्लास, एंड ही इज एब्सोल्यूट। इंडिया ने मोस्ट विंस इन अ कैलेंडर ईयर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया ऑस्ट्रेलिया का, 38 का। थैंक यू क्रिकेट बाद साहब। हाँ, तो अभी तो वर्ल्ड कप भी पड़ा हुआ है, अभी तो बहुत मैच पड़े हैं, अभी तो बड़े पूरे इस साल में काफी मैचेस हैं। एक भाई जो कह रहे हैं कि आपके कहे बगैर ही वीडियो लाइक कर दिया। वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और बाकी सब भी अच्छे बच्चे ही हैं, लेकिन वो करते वीडियो कहने पे हैं, तो अच्छे बच्चों वीडियो को लाइक करते जाना साथ साथ। तो संतोष, आपने बिल्कुल सही बोला है, एब्सोल्युटली क्लासिक स्टाइलिश एलिगेंट बैट्समैन है शुभम गिल, शुभमन गिल। और हाई बैक लिफ्ट ऑफ साइड पे जिस तरह गैप ढूंढना है वो भी बड़ा लाजवाब है, और अगर कोई गैप में ना भी जाए, हाथों में भी जाए, समटाइम्स ऐसा लगता है कि हर गेंद पे इतना अच्छा टाइम करता है वो,
ऐसा लगता है कि हर गेंद पे ही चौका आएगा. समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही इज एबल टू फाइंड गैप ऑफ साइड पे, कभी कभी हाथ में भी चली जाती है. और लेकिन स्टाइलिश बड़ा लाजवाब है, फ्लिक शॉट उसकी बड़ी बेहतरीन है. और उसके अलावा एक विराट कोहली की शॉर्ट आर्म जैब शॉट और एक इसकी भी शॉर्ट आर्म जैब शॉट जो है वो बहुत ही क्लासिक है. आप YouTube पे सर्च करके लिखे चुमन गिल शॉर्ट आर्म जैब शॉट्स और विराट कोहली की भी, तो आप देखेंगे बहुत ही शानदार नज़ारा होता है वो जो वाली जो शॉट ये खेलता है. ऑफ साइड पे ही इज एब्सोल्युटली क्लासिक और बहुत ही प्लीजिंग टू द आई है. और रन्स अच्छे, मतलब इन इस सीरीज में एक दफा फिर उसने अपनी क्लास दिखाई. पिछले मैच में जाहिर है कि आउट हो गया था 28 पे, लेकिन उस मैच में भी आपने बड़े शानदार चौके देखे. आज भी चौके आपके सामने ही है जिस तरह परफॉर्मेंस आई है. ही इज रियली क्लासिक बैट्समैन और आगे जब मौका मिलेगा तो फिर जाहिर है कंसिस्टेंट जो है सर्व करेगा टीम इंडिया को. तो गिल के अलावा मोहसिन भाई और दो तीन नाम जो बहुत आपको इंप्रेसिव लगे जो बैट्समैन से, सिराज, आयर, अगर आप मुझसे इस वक्त रैंकिंग करवाएंगे तो आयर, संजू सैमसन, गिल, सिराज, कुलदीप, और अगर आप मुझसे डिसअपॉइंटमेंट पूछेंगे तो शिखर धवन. द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस सीरीज इज मिस्टर शिखर धवन. आज के मैच में कप्तानी अच्छी थी, स्कोर क्या था, यस रोटेशन ऑफ बॉलर्स वाज एक्सीलेंट, बहुत अच्छे छोटे छोटे स्पेल में यूज किया, नो डाउट. बट भाई जान कप्तानी तो रोहित शर्मा करेंगे, कप्तानी तो धवन नहीं करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ भूमा आप टीम में होते हैं तो भूमा तो नहीं होगा रोज रोज. तो शिखर धवन ने अपने चांसेस को बड़ा मैसिव डेंट दिया, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है. बाकी टीम इंडिया की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर आप इस तीन मैचों में कहेंगे तो वो एज ए यूनिट है. दे प्लेड लाइक फाइटर्स, दे प्लेड लाइक लॉयंस, दे शोड बिग हार्ट एंड दे बैम्बूजल्ड साउथ अफ्रीका एट देयर ओन बैक यार्ड. ठीक है अपने घर में खेल रहे थे इंडिया वाले, लेकिन टीम क्या थी देखो ना. कुलदीप टीम में नहीं है, सराय टीम में नहीं है, शहबाज टीम में नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर इंजरी के बाद आ रहा है, आयर टीम में नहीं है, मतलब कौन है टीम में. शिखर धवन भी इवन टीम में नहीं है. तो इसके बाद भी अगर इतनी कमांडिंग रिजाउंडिंग परफॉर्मेंस है तो हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया एंड टू बीसीसीआई. और एक बात सिर्फ कर दूं यहां, अपडेट दे दूं आपको, इनको तो पता ही है, मे बी आपने ना सुनी हो, के सौरव गांगुली को कहा गया है कि आपने, बेशक वो आईसीसी के चेयरमैन लग जाए, कि आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, जय शाह की थी. और रॉजर बीनी साहब आ रहे हैं, या रमीज राजा और पीसीबी को कोई पूछने वाला नहीं है. वैसे जय शाह ने भी कोई तीर तो नहीं मारा. मैंने अर्ज किया जय शाह का नाम इसलिए नहीं कि वो अमित शाह का बेटा है ना भाई जान. एनीवेज आज की जो परफॉर्मेंस है और पिछले मैच की जो परफॉर्मेंस है एक दफा फिर आपके सामने है. जितने यंगस्टर्स हैं या फ्यूचर में जो रिप्रेजेंट करेंगे टीम इंडिया को उनको मौका मिला है. देखो ये बहुत बड़ी बात है कि एक साउथ अफ्रीका हल्की टीम नहीं है वनडे की, आपकी अपने घर में इन्होंने 3-0 से हराया था आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम को, ऑलमोस्ट फुल स्ट्रेंथ टीम को. तीन वनडे मैचेस की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, वहाँ पे हराया था. ये आए हैं यहाँ पे तो आपकी ए टीम खेल रही है, क्योंकि नेशनल टीम तो मौजूद है ना वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपकी ए टीम ने खेला है और उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को हरा दिया है. बॉलिंग अटैक रबाडा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, नोकिया वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. बाकी जेंसन की बात करें, पार्नल की बात करें, महाराज वगैरह, शमसी को तो इतनी मार पड़ी है T20 में भी और वनडे में भी, उसको तो बेंच में बिठा दिया है. और ये वही शमसी है जो जब पाकिस्तान जब भी आता है वो खेलने के लिए, हमारी तो इतनी विकटें वो चटकाता है और उसके तो वो शूज जो है वो पाँव में रहते ही नहीं है, क्योंकि हर चौथी गेंद में वो उतार लेता है और फोन करने लग जाता है. तो वहां पे 8-8 ओवरों में 90 पांचवी सक्सेसिव विक्ट्री है इंडिया की और 6 में से मोस्ट इंटरनेशनल विन्स इन अ ईयर, 6 में से इंडिया 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 इंडिया, 4 दफा इंडिया, 2 दफा एक कैलेंडर ईयर में, 2 दफा ऑस्ट्रेलिया, 22 में इंडिया, 3 में ऑस्ट्रेलिया, 17 में इंडिया, 99 में द इनविंसिबल्स ऑस्ट्रेलिया 35 थी, 2018 में इंडिया 35, 2019 में इंडिया 35. तो अभी रिकॉर्ड और भी तगड़ा हो जाएगा इस साल, तो रिकॉर्ड ये बढ़ेगा ऑब्वियसली. अभी इंडिया ने वर्ल्ड T20 खेलना है. हाँ जी,
तो दोस्तों ये सीरीज भी हुई खत्म। अब इसके बाद असली धमाका वर्ल्ड कप वाला आएगा। उसके लिए वहाँ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम तैयारी कर रही है और यहाँ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तानी टीम। प्रोग्रेस कैसी है, खबरें आप तक पहुँचती रहती हैं विद रिएक्शन। फिलहाल आपको कल की जीत कैसी लगी, श्रेयस अय्यर का फिनिश और शुभमन गिल की बैटिंग पर ना कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।